देखो, हमारा सवाल क्या है? कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.3 का हमारा दूसरे का पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है, सिद्ध करो कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर कितना होता है? 0 होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पर 6 सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या होता है पहला सूत्र? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसिक थीटा। अगला क्या होता है? कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगला टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और अगला कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हमारे किसके सूत्र होते हैं? त्रिकोणमिति के। क्या होते हैं सूत्र? होते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र। ठीक है, अब देखो इसको हम हल करेंगे। इसको देखो, हमको बराबर किस तरफ एक संख्या लिखी है और बराबर किस तरफ एक संख्या लिखी है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हल करेंगे और राइट हैंड साइड लेकर के आ जाएंगे। इसको हम करेंगे क्या? हल। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या दिया तुम्हारा? कोस 38 इंटू कोस 52। कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। साइन 38 इंटू साइन 52 ले लिए, बराबर का हो गया बराबर। कोस 38, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। मतलब कोस 38, कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 38। ठीक है, कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस, अरे कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस 38 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 38। इंटू का हो गया इंटू, कोस 52 का हो गया कोस 52, 52 माइनस का माइनस। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा। जब साइन थीटा को हम कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 38 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 38 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 38। साइन 38 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस इंटू क्या है? साइन 52। क्या है? साइन 52 हो गया इतना। अब साइन का हो गया साइन 90 में से 38 गया, कितना बचेगा? 90 में से 38 गए 52। इंटू का इंटू कोस का 52 का, यहां पर 52 है ना, तो 52 को ला, यहां पर भी 52 लाने के लिए हमने ये पूरक चेकोण में हमने इसको चेंज करे, माइनस का माइनस कोस का हो गया कोस। 90 में से 38 का कितना बचेगा? 52 इंटू साइन का हो गया साइन। 52 का हो गया 52। ठीक है, अब अगली स्टेप में साइन, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम क्या लिख सकते हैं? देखो साइन 52 इंटू कोस 52 है यहां पर भी, माइनस साइन 52 इंटू कोस 52, तो साइन 52 कोस 52 से साइन 52 कोस 52 घट गया, कितना बचेगा? यही लेकर के आना था, यही लेके आना था। बराबर क्या हो गया तुम्हारा? राइट हैंड साइड, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। और यही क्या करना तुमको? प्रूव करके लेके आना था। यही क्या करके लेके आना था?
प्रूव करके लेके आना था। उतार ली उसको,